Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken class. Friends, I am teaching you about the wish and ambition. In the last class, I taught you about the first part of the wish and ambition. Okay friends, today I am going to teach you the second part of the wish and ambition. Okay, so let's start the class of the day. फ्रेंड्स, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, आपकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, ज़्यादा कमज़ोर है, तो हमारा वीडियो शुरू से देखो, आप बिल्कुल स्टार्ट से देखो, बिल्कुल नंबर वन से, क्लास वन से आप लेकर आप धीरे धीरे वन बाई वन देखते जाओ। जो भी उसमें टास्क दिए जाते हैं उसको पूरा करो, जो भी कहा जाता है उसको पूरा करो, फिर आप देखना आप एक दिन इंग्लिश ज़रूर सीखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसा नहीं कि आप चैनल खोला, आपने देखते हैं क्या पढ़ाया है, देखा दो मिनट एक मिनट फिर निकल गए बाहर, फिर दूसरा इंग्लिश सिखाने वाला चैनल खोला, फिर उसको देखा, फिर उसको भी एक दो मिनट देखा, ठीक है ठीक है। मीन्स खाली ऐसे करने से कोई इंग्लिश नहीं सीखेगा। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो प्रॉपरली मीन्स आपको किसी एक चैनल को पकड़ो जो भी आपको अच्छा लगता हो, और उसके जितने भी स्टार्ट्स है, मैंने बिल्कुल स्टार्ट से स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना कर डाला हुआ है, एकदम शुरू से बेसिक, फिर एडवांस कोर्स, अभी एक्स्ट्रा एडवांस कोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप शुरू से देखो। ओके, तो शुरू करने से पहले हम देखते हैं इंग्लिश। हाय सर, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। यू लुक सो डिजेक्टेड, व्हाट्स रॉन्ग? My grandma passed away in Jaipur, sir. Oh, I am very sorry to hear that. How old she was? She was 71 years this December. Then she was not so old. Had she been ailing for some time? She was admitted in hospital last 1 week. She was having hard time this time. When is her funerals? It must have been over by now. I can understand what you feel. Words can't comfort you when someone dear to you departs. Yes, true. She was very close to me. Okay, Surekha, don't worry. Okay friends, चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था विश एंड एम्बिशन के बारे में ही, वो पार्ट वन था, दिस इज अ पार्ट टू। ठीक है, इसमें कुछ थोड़ा अलग तरह के सेंटेंसेज होंगे, इसके लिए मैंने दो वीडियो बनाया है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, हम चाहते हैं कि शांति हो, सेम चीज़ है, बट इसमें क्या है कि हम किसी से नहीं चाह रहे हैं, बस चाहते हैं। उसमें क्या था कि हम चाहते हैं कि आप मेरी मदद करें, हम चाहते हैं कि आप हमें फिल्म दिखाएं, हम चाहते हैं कि वे लोग वहाँ ना खेले, इस तरह का सेंटेंस था। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि शांति हो, यहाँ पर किसी से चाहा नहीं जा रहा है, बस चाहा जा रहा है। तो वी वॉन्ट या विश, दोनों में से आप कोई भी लिखिए, वी वॉन्ट देयर टू बी पीस, वी वॉन्ट देयर टू बी पीस, इस तरह के सेंटेंस जिसमें हम किसी से नहीं चाह रहे हैं, बस चाह रहे हैं, वहाँ पर कोई बीच में जिसे हम चाह रहे हैं, मतलब बीच में कोई नहीं है सब्जेक्ट कि हम किससे चाह रहे हैं क्या कराने के लिए, सिर्फ चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि शांति हो, वे लोग चाहते हैं कि दंगा ना हो, मेरे पिताजी चाहते हैं कि अनुशासनहीनता ना हो, इस तरह के सेंटेंस। तो उसमें हम देयर टू बी लगा कर बनाएंगे। ठीक है, तो वी वॉन्ट देयर टू बी पीस, मैं चाहता हूँ कि सब जगह खुशी हो, तो आई वॉन्ट there to be happiness everywhere. ठीक है friends, I want there to be happiness everywhere. अभी यहाँ पर है, वे लोग चाहते हैं कि दंगा ना हो, या इस तरह इस sentence को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे लोग नहीं चाहते कि दंगा हो। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे,
दे डोंट वॉन्ट देयर टू बी रट. दे डोंट वॉन्ट देयर टू बी रट. रट मीन्स दंगा. इस तरह का सेंटेंस होगा. अब यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे कि दे वॉन्ट देयर नॉट टू बी रट. ऐसा लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बट ज़्यादातर ये सही रहेगा कि दे डोंट वॉन्ट देयर टू बी रट. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ एक तरह का सेंटेंस. अब हम कुछ दूसरी तरह की सेंटेंसेस लेते हैं. तो ये देखिए, मैंने एक अलग तरह के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसमें काश या यदि होता है. कि मीन्स हम अपने लिए या किसी और के लिए हम कामना करते कि काश मैं तुम्हारा दोस्त होता, काश मैं वहाँ मौजूद होता, यदि मैं राजा होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता. इस तरह के हम सेंटेंसेस को किस तरह से बनाएंगे. यदि मैं राजा होता, इफ़ आई वर अ किंग. इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते वक्त हम आई ही चाहे कुछ भी हो उसमें हम वर लगाते हैं, वॉज नहीं लगाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम आई वर अ किंग ऐसा हम लिखेंगे, बल्कि आई वॉज अ किंग ऐसा नहीं लिखेंगे. ये पास्ट की बात कर रहे हैं हम कि यदि मैं राजा होता, यदि मैं राजा हो जाऊं ऐसा नहीं है. तो इसको हम इफ आई वर अ किंग या इफ आई हैड बीन अ किंग ऐसा भी लिख सकते हैं हम. इफ आई हैड बीन अ किंग ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, या हम यदि मैं राजा होता, काश मैं राजा होता. तो इस तरह से सेंटेंस को बनाने के लिए हम आई विश भी हम शुरू में लिख सकते हैं. कि जैसे यहाँ पर यदि की जगह काश होता, कि काश मैं राजा होता, तो आई विश लिखेंगे यहाँ पर हम. आई विश आई वर अ किंग. आई विश आई हैड बीन अ किंग. ठीक है फ्रेंड्स, काश मैं चिड़िया होता तो आई विश यहाँ पर लिखेंगे आई वर अ बर्ड. आई विश आई वर अ बर्ड. यदि मेरे पिताजी यहाँ होते, इफ माई फादर हैड बीन हियर. इफ माई फादर हैड बीन हियर, अगर मेरे पिताजी यहाँ होते तो मैं उन्हें अपना मार्कशीट दिखाता. उस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम बाद में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बट सिर्फ इस तरह को समझ लो, अगर मेरे पिताजी यहाँ होते. या काश बोलेंगे कि काश मेरे पिताजी यहाँ होते तो आई विश माई फादर हैड बीन हियर. यदि है इसलिए यहाँ पर हम इफ लगा रहे हैं. काश मैं उसे जान पाता, आई विश आई हैड नॉन हिम. आई विश आई हैड नॉन हिम. इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जिसमें काश या यदि ऐसा रहता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम इस तरह से बनाते हैं. लेकिन याद रहे, आप यहाँ पर वर्ब मत लगाना. यहाँ पर चूंकि वर्ब नहीं है, यहाँ पे यदि मैं राजा होता, सिर्फ यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है, रेगुलर वर्ब. सो इफ आई वर अ किंग होता है या आई हैड बीन अ किंग होता है. बट यहाँ पर यदि काश मैं उसे जान पाता, तो यहाँ पर जान पाता इज द वर्ब. यहाँ पर आई वर नो हिम ऐसा नहीं लिखेंगे हम. सिर्फ यहाँ पर आई हैड का इस्तेमाल होगा. लेकिन यहाँ पर जहाँ पर वर्ब नहीं है, इफ माई फादर वर प्रेजेंट हियर ऐसा हम लिख सकते हैं. बट इसमें वर्ब है. आप इतना समझ लो कि जिस सेंटेंस में भी वर्ब है, क्रिया है, उसमें हम हैड लगाकर बनाएंगे, वर लगाकर नहीं बनाएंगे. और जिसमें क्रिया नहीं है उसको हम हैड बीन से भी बना सकते हैं और उसमें वर लगा कर भी बना सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि इस तरह के सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं. तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद.